तो सो हम बात करेंगे दिलीप बिल्डकॉन के स्टॉक के बारे में। दिलीप बिल्डकॉन के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगातार अपडेट में देखने को मिला था। हमको पहले स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन जो अभी स्टॉक है अभी हमको जो स्टॉक है वो लगातार यहाँ पर इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर यहाँ पर स्टॉक अपनी इस रेंज को ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी तेज़ी एक अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आज हमको यहाँ पर स्टॉक में 2% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हम अब स्टॉक में बात करें, अगर यहाँ पर स्टॉक में ये गिरावट अगर कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 3300 का जो लेवल है ये ऐसा सपोर्ट यहाँ पर काम करेगा। अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया देन हमको यहाँ पर स्टॉक में 23, और अगर यहाँ पर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको अब स्टॉक में 285, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 275, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 264 तक के लेवल्स में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में तेज़ी आती है तो यहाँ से अब तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 338 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 371, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 383, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 411, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 437, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 484 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।